धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। ऐसी ही एक बच्ची आज हमारे साथ है, आलिया खान। जी हाँ, आलिया खान क्या करती हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। हमारे साथ दो और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी जी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों से चर्चा हो, शुरुआत आपकी आवाज से, सुनाइए हमारे दर्शकों को गीता का श्लोक कंठस्थ और इस मधुर आवाज में। आलिया, सैवायम याते गा योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तम बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेत परंतप। शुक्रिया। क्या फर्क है अगर इनका नाम कुछ और होता? क्या आलिया खान है और आलिया खान ने योगी आदित्यनाथ के मंच पर गीता के श्लोक पढ़ दिए तो कुछ लोगों को बुरा लग गया? दारुल उलूम की तरफ से ये हालांकि फतवा जारी नहीं किया, लेकिन असहमति जाहिर की कि कृष्ण के लिबास में क्यों आलिया खान सामने आई। आलिया, वैसे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी, क्या कह रहे थे वो? 31st में जब मैं मेरठ आई, हाँ, तो 31st में तो नहीं बट 1st January, हाँ, जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में, फतवा जारी नहीं किया गया था। तो मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा, पहले तो मुझे यही नहीं पता मैम फतवा होता क्या है। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा, मैम फतवा होता क्या है? मैम ने कहा कि बेटा ये आप पे तो ऑब्जेक्शन किया गया है, और उलेमा साहब ने किया है आप पे ऑब्जेक्शन। तो मेरी काफ़ी लाइव डिबेट्स हुई, तो उसमें मैंने, उन्होंने कहा मुझसे, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी गीता रखी है, रामायण भी पढ़ता हूँ, रामचरितमानस मैंने पढ़ा है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है, सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जैसे जो एक्टर्स हैं जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर, आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल? ना, ना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड? नहीं नहीं नहीं, फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना? कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है? बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं? अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही घबरा रहे हैं। ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आप तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा, सुनिए सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी किसी किसी कौम का, दर्शक व्याकुल हो रहे, नहीं देखता मैं भाई, नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं, देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी जी? सलमान खान कौन है, जानते ही नहीं है? सलमान खान जानता हूँ, आरती करता है वो जानता हूँ मैं, जो वो क्या करता है, जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये फिल्म सब आपको, उसको बस शक्ल हीरो में नहीं देखता हूँ, हाँ, कि वो किसी फिल्म का हीरो है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, असल हीरो ये है, है ना? बिल्कुल असल हीरो ये है। और मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी, आपके शो में इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास में गीता श्लोक करे? पहले मैं, इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत है? वही बात कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मुझे नाज है आलिया पर, फक्र है
कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा है, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं, लो मुसलमानों ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं एक बात, सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका अख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन इस्लामी, जिस मंच पर इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं इतराज नहीं कर रहा हूं, क्यों एक अलग, देखिए एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है, देखिए 15 साल की बच्ची को ये मत पहनो वो मत, यही तो प्रॉब्लम है। जीता टोपी पहन के भी पढ़ जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, उसका पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता है, उसके लिए कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है, एक खूबसूरती उसमें, कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। और भी लिख ले मौलाना अंसारी साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं, क्यों क्यों उसको उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, और अच्छा होता क्या होता है, अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा, और अभी तो एक दूसरे चैनल पे हम लोग थे, मेरे पास जो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी हम इनके साथ कर सकते थे अच्छा वो हमने किया, और आपने अपनी घड़ी दे दी, इंडिया टुडे हमारा ही चैनल है, इससे उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे हमारा ही चैनल है, आपने शो में बिल्कुल गिफ्ट दिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे फख्र है इस बात का, और उन लोगों के मुंह पर आलिया ने तमाचा मारा है, उसमें मीन में एक मत निकालते हैं, मैं बात कर रहा हूं कि वो चीज ऐसे भी की जा सकती है। आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे, हीरो वाली बात? देखिए सर, मैं एक रोल मॉडल हूँ, और वहां पर डिमांड ही इसी चीज की थी, क्योंकि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं, तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है, और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसको उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू और मुसलमान, बात आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत अदब के साथ, आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है, क्योंकि सर तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, आप एक मुसलमान है, चूंकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा पढ़िए, यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फर्ज है जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं, उलेमा उलेमा या उलामा क्या कहना इसको बिचारी को पता नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। कल को अगर आपसे कहा जाए, कल को अगर आपसे कहा जाए कि साहब आपने यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए, नहीं आप डरा रहे हैं, प्लीज प्लीज, कौन फतवा बेसिक है इस्लाम का, क्या बात कर रहे हैं सर, फतवा सिद्धांत के उसूल है, अच्छा ताकि दुकान चलती रहे, के उसूल है फतवा, ताकि इस्लाम का हिस्सा है फतवा, चलती रहे मैडम, इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है, हिस्सा है ना, बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या बात कर रहे हैं, धर्म का मतलब मौलाना अंसारी साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया नहीं, इस्लाम का मतलब छोटा क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं, फतवा इस्लाम का हिस्सा है। एक चीज है जनाब जी, मैं बता दूं कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें, इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया, और क्या? नहीं नहीं हाँ। मैं एक बात के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आप ये आपके चैनल से ये मैसेज चला जाए कि उलमा ने ये कह दिया कि इन्होंने जो लिबास पहन लिया वो हराम हो गया, ठीक है एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था उसको, हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद साहब ने कहा है, कहा जा सकता है, मुझे याद है, सुनो मुझे याद है, आप उनकी बात सुनिए, मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद साहब जवाब देना चाहेंगे उनको वो जो कह रहे हैं। सर देखिए मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूंगी, जैसे कि यही बात आई थी जब फतवा जारी कर, फतवा इतनी इजली जारी नहीं होता, मुझे ये इतना पता है फतवा इतनी आसानी से जारी नहीं होता, ठीक है वो सिर्फ फतवा जारी करने की बात आपकी ठीक है, बट जैसे दानिश अली साहब हैं वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी, फिर गलत है ना, बट उनपे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर, बेटा बेटा बात सुनो, जी सर नहीं सर मैं आपकी बात सुनूंगी सर, देखिए फतवा आप पर नहीं आया, आपको लग रहा है ये बच्ची आया है, नाम आया है, ब्रेक के बाद आएंगे और ड्रेस पर बात करेंगे, लेकिन एक श्लोक के साथ ब्रेक पे चले जाएं, जी बिल्कुल हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहितरे
थैंक यू। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।